हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की स्टूडियो में बात करने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच के बारे में जो कि खेले जाने वाला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पर उससे पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको विराट क्रिकेट टिप्स का व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये आपको लाइफ टाइम लॉस कवर करके दे देंगे। मैच की आपको 100% विनर एक्यूरेटी मिलेगी। इसके अलावा आपको सेशन आउट ऑफ की रिपोर्ट भी मिलेगी। तो जाइए जल्दी से इन्हें मैसेज कीजिए, ये आपको लाइफ टाइम लॉस कवर करके दे देंगे। इसके अलावा पहले मैच में आपको फ्री डेमो भी मिलेगा, तो इन्हें मैसेज करने पर आपको यकीनन फायदा ही होगा। तो भाइयों, पहले बात करेंगे कराची किंग्स की। कराची किंग्स पिछले साल के चैंपियन थे, इस साल डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर उतरेंगे। पर पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से इस साल इनकी टीम थोड़ी सी कमजोर मुझे लग रही है। पिछले साल जो इनकी टीम के कई सारे की प्लेयर्स थे वो इस साल इनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, कई सारे अच्छे खिलाड़ी इनकी टीम में इस साल ऐड भी हुए हैं, पर फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से इस साल इनकी टीम थोड़ी सी कमजोर है। इनकी टीम के अगर मैं आपको कुछ की प्लेयर्स बताऊं तो बैटिंग में टीम के पास बाबर आजम, कॉलिन इंग्रम, जो क्लार्क, जीशान मलिक और शर्जील खान जैसे खिलाड़ी है। ऑलराउंडर्स के तौर पर टीम के पास डैन क्रिश्चियन, इमाद वसीम और मोहम्मद नबी है। बॉलिंग में टीम के पास मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इलायस जैसे खिलाड़ी की प्लेयर्स के तौर पर है। अब बात की जाए इनके अपोनेंट्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो पिछला साल इनका काफी बुरा रहा था। उसके पिछले साल के जरूर चैंपियन थे, पर पिछले साल के बुरे परफॉर्मेंस को देखते हुए इस साल उन्होंने कई सारे अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में ऐड किया है, जैसे क्रिस गेल हो गए, जैसे कि डेल स्टेन हो गए और भी कई सारे इन्होंने बड़े नाम अपनी टीम में ऐड किए हैं। कुछ खिलाड़ी मिसिंग भी है, पर मेरे ख्याल से इस साल इनकी टीम पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मजबूत है। क्वेटा की टीम के की प्लेयर्स सुनने के बाद मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे कि इस साल क्वेटा की टीम काफी अच्छी लग रही है। बैटिंग में टीम के पास क्रिस गेल, टॉम बैंटन, फाफ डुप्लेसी, सरफराज अहमद और बेन कटिंग जैसे खिलाड़ी है। बॉलिंग में टीम के पास नसीम शाह, डेल स्टेन, कयास अहमद, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ी है। इस मैच की मेरी ड्रीम इलेवन टीम की बात की जाए तो कैप्टन मैंने बनाया है टॉम बैंटन को। मुझे लग रहा है बैंटन इस मैच में कुछ कमाल करेंगे। इसके अलावा वाइस कैप्टन मैंने बाबर आजम को बनाया है। आप चाहे तो फाफ डुप्लेसी या क्रिस गेल के साथ भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर जा सकते हैं। यह मैच खेले जाने वाला है नेशनल स्टेडियम कराची में। यहाँ पे पिच की बात की जाए तो स्पिनर्स को यहाँ पे लिमिटेड ओवर्स में पिछले कुछ समय से मदद बिल्कुल नहीं मिली है। इसके अलावा हो सकता है शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिले, पर ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच एक्सपेक्टेड है। बल्लेबाजों को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलेगी और 170 रन आपको यहाँ पे बनाने ही पड़ेंगे। 170 के ऊपर का कोई भी टारगेट अच्छा टारगेट होगा। टॉस जीतने बाद पहले बॉलिंग करना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला है और ड्यू फैक्टर भी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। मैच प्रेडिक्शन में रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुझे लग रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैंपियंस को इस मैच में हरा देंगे, पर एक्यूरेट के लिए जरूर से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।